हेलो वीम वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर को देखेंगे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे ठीक है तो लेट्स माउंट टू तो डिफरेंसेस पार्ट जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स हैं फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम नेचर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना वह कहाँ से ये योप्टे होते हैं वह बेसिकली नेचर से योप्टेन होते हैं लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या बोला है इट इज़ कंप्लीटली मैन मेड या जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना ये ये बेसिकली नेचर से योप्टेन नहीं होते ये बेसिकली आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर्स रहते हैं कौन सिंथेटिक फाइबर्स तो इसलिए बोला इट इज़ कंप्लीटली मैन मेड ठीक है तो अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है दी uh, फाइबर्स क्र्स कैनॉट भी कैनोट बी चेंज यहाँ पे यहाँ पे चेंज आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे चेंज आएगा ये तो इसलिए बोला है यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो भी अपन फाइबर ऑपरेट करते हैं थ्रू नेचर से तो यहाँ पे जो फाइबर्स फाइबर fiber के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना तो तो आ, तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या बोला है दी फाइबर स्ट्रक्चर्स कैन बी चेंज जो फाइबर के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना किसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर तो 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 वो अपन चेंज कर सकते हैं क्यों क्योंकि वो मैन मेड है क्योंकि वो ये आर्टिफिशल मैन मेड फाइबर्स है ठीक है देन तो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है इट इज़ कंफर्टेबल टू वेयर जो नेचुरल फाइबर्स रहते हैं ना वो वे 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 कम्फर्टेबल रहते वेयर करने के अंदर लेकिन सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या बोला है इट इट इज़ नॉट एज कम्फर्टेबल एज नेचुरल फाइबर्स तो पे बेसिकली बोला है इन, इन, इनको पहनने के लिए इनको वेयर करने के लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहते कौन सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है लेकिन नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल रहते हैं ठीक तो है फोर्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है नो केमिकल्स आर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग जो कि नेचुरल रहते तो इसके अंदर कोई भी केमिकल्स के रिक्वायरमेंट नहीं रहती है प्रोसेसिंग करने के लिए ठीक है किसके अंदर नेचुरल फाइबर के अंदर लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या बोला है वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये ये जो प्रोसेस ये जो प्रोसेसिंग स्टेज होता है फाइबर का तो वहाँ पर ये केमिकल्स काम आ जाए किसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर ओके अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है इट हैज़ इट्स ग्लोइंग नेचुरल कलर यहाँ पे जो जो, जो कि ये नेचुरल फाइबर नेचर से आते हैं तो इनके खुद के खुद के एक नेचुरल ग्लोइंग कलर रहते हैं लेकिन सिंथेटिक स के अंदर क्या बोला है कलर्स आर एडेड एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर बेसिकली अपन केमिकल्स को एड करते कलर्स को एड करते किसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर तो नेचुरली नेचुरली ग्लोइंग कलर्स अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिलते किसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर नेक्स्ट अपने सिक्स डिफरेंस के अंदर क्या सिक्स डिफरेंस के अंदर क्या बोला है इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो कि ऑब्वियसली नेचर से आ रहे तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेंगे ठीक है थीके? लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या बोला है सम फैब्रिक्स आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट जो भी फैब्रिक जो, जो भी जो भी मतलब आई मीन बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रहते वो वो हार्मफुल भी रहते हैं किसके लिए इन्वायरमेंट के लिए वो वो कहीं ना कहीं इन डायरेक्टली पोलूशन भी कॉज करते हैं ठीक है जब अपनी सेवंथ डिफ्रेंस के अंदर क्या बोला है इट इज़ लेस ड्यूरेबल दैन सिंथेटिक फाइबर्स जो नेचुरल uh, फाइबर है वे लेस वे ड्यूरेबल है वन कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या बोला है इट इज़ कंपेटिवली मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फ़ाइबर्स ये ये, ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है ना किसकी सिंथेटिक फाइबर्स की ये, ये बेसिकली ज़्यादा रहती, रहती, रहती है कंपेटिवली मोर रहती है ज़्यादा रहती है वैन कंपेयर टू नेचुरल फ़ाइबर ओके दैन अपनी एट्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर डिपेंड्स ऑन द नेचुरल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट जो कि बेसिकली नेचर से प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है बाहर का एक्सटर्नल एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है ना तो इसलिए बोला है द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर अगर आप अगर आप नेचुरल फाइबर की प्रोडक्शन करोगे तो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड होगा वह बेसिकली नेचुरल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट पर भी डिपेंड होगा ठीक है लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या बोला है सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी प्रोड्यूस विद लोकल मेटीरियल्स एंड केमिकल्स जो लोकल मेटीरियल्स और केमिकल्स रहेंगे जैसे कि फ्लेवर्स ऐड कर रहे हो कलर्स ऐड कर रहे हो तो वो सब जरूरत रहेगी किसको प्रोड्यूस करने में सिंथेटिक फाइबर्स को ठीक है लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लाइमेट कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन पर मतलब ये फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे किसको सिंथेटिक फाइबर्स को ओके जब अपनी नाइन्थ के अंदर क्या बोला है नेचुरल फाइबर्स आर एक्सपेंसिव जो कि नेचुरल रहते हैं तो वो वो, वो बेसिकली ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट आर नॉट डेट एक्सपेंसिव सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते ओके जब अपनी टेंथ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है नॉर्मली नेचुरल फाइबर्स आर हाइड्रोफिलिक जो नेचुरल फाइबर्स रहते हैं ना वे बेसिकली हाइड्रोफिलिक रहते हैं ठीक है ये ऑलमोस्ट सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स हाइड्रोफिलिक रहते हैं लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स ने क्या बोला है सिंथेटिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक जो सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं ना वह हाइड्रोफोबिक रहते हैं लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स रहते हैं वह क्या रहते हैं हाइड्रोफिलिक रहते हैं ठीक है जब अपनी एलेवेंथ डिफरेंस का क्या बोला है नेचुरल क्रेम रिमेन हियर यहाँ पे नेचुरल क्रीम यहाँ पे प्रेजेंट रहती है यहाँ पे बेसिकली रिमेन्स रहती है एंड सिंथेटिक फाइबर्स का क्या बोला है नो नेचुरल क्रेम रिमेन्स यहाँ पे बेसिकली नेचुरल क्रीम्स कुछ भी नहीं बचती है ठीक है जितनी लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है नेचुरल कलर्स आर फाउंड हियर यहाँ पे नेचुरल जो कि अपने देखा था ग्लोइंग कलर्स यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या बोला है नो कलर फाउंड पे कोई भी आपको नेचुरल कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है किसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर तो यही थी अपने कुछ बेसिक डिफ्रेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स